हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम जा रहे हैं DIT कॉलेज भोपाल का रिव्यू देने, जो कि काफी अच्छा कॉलेज माना जाता है भोपाल का। इस कॉलेज से कई सारे बड़े बड़े पैकेजेस भी लगे हुए हैं, जो कि हम आगे आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात करें लोकेशन की, तो ये आनंद नगर भेल में उपस्थित है, जो कि मेन सिटी से सटा हुआ है। और इसके कैंपसेस की बात करें तो इसके चार कैंपस है, TIT मेन, एक्सीलेंस, साइंस एंड एडवांस। वैसे चारों कैंपस सेम ही है, लेकिन आपको मैं प्रेफरेंस करूंगा कि आप मेन में जाएं, क्योंकि कोई भी कंपनी आती है तो सबसे पहले वो मेन में ही प्रेफरेंस देती है, उसके बाद बाकी सभी कैंपसेस को विजिट करती है। दूसरी बात बात करें कि टेक्नोक्रेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को रैंकिंग कितनी मिली है, तो इसकी फिलहाल रैंकिंग तो 250 से 300 है, लेकिन ये जल्द ही बहुत अच्छी रैंकिंग पाने वाला है। तो बात करें एडमिशन प्रोसेस की, तो आपको इसको JEE मेंस के थ्रू एडमिशन मिल जाएगा, और हो सके तो आपको डायरेक्ट एडमिशन भी मिल सकता है अगर आप मेरे से कांटेक्ट करोगे तो। अब बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको बहुत ही बढ़िया मिलने वाला है, ग्लस ग्रीन एकदम कैंपस रहेगा। और बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग आपने गूगल पे देख ही लिया होगा, और आपको मैं अभी भी दिखा दे रहा हूँ कितना बढ़िया बिल्डिंग बनाया हुआ है इन्होंने। स्पोर्ट्स फैसिलिटी वगैरह सब कुछ आपको मिलने वाला है, जिम वगैरह सब कुछ आपको कॉलेज के अंदर मिलेगा, और स्पोर्ट के लिए आपको बढ़िया प्लेग्राउंड वगैरह कोर्ट वगैरह सब कुछ मिलेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आपको इस कॉलेज को प्रेफरेंस जरूर देनी चाहिए। और हम बात करें फीस की इसकी, तो फीस आपको नेट पे 1 लाख के अप्रॉक्स मिल जाएगी, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा कंसेशन फीस होता है, जो कि आप मेरे से कॉन्टैक्ट करोगे, मैं पब्लिकली नहीं बोल सकता, आप मेरे से कॉन्टैक्ट करोगे तो मैं आपको बता दूंगा कितनी फीस है। और अब फाइनली बात करते हैं प्लेसमेंट की। अगर हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो प्लेसमेंट हमें चाहिए होता है, और उसी के लिए हम कॉलेज को देखते हैं या फिर उसका रिव्यू लेते हैं। प्लेसमेंट यहाँ का बहुत ही बढ़िया है, आपको ऑफ कैंपस में कई सारे प्लेसमेंट, जैसे 84 लाख का आपको मिल जाएगा, 46 लाख का भी मिल जाएगा, लेकिन हमें ऑन कैंपस लेना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो हम ऑन कैंपस सोचते हैं। तो ऑन कैंपस का हाइएस्ट गया है 26 LPA का हाइएस्ट गया है, और लोएस्ट की बात करें तो 3 LPA लोएस्ट गया है। यार अगर आपको CSC मिल रहा है तो ही आप लीजिए, वरना अगर कोई और ब्रांच मिल रहा है तो आप बिल्कुल कॉलेज को प्रेफरेंस मत दीजिए, मैं आपको डायरेक्टली बोल रहा हूँ, क्योंकि बाकी सभी के प्लेसमेंट्स बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, यानी कि मतलब हो नहीं रहे हैं, 40% 30% प्लेसमेंट सिर्फ आ रहे हैं बच्चे के। और अगर CSC की एवरेज पैकेज की बात करें तो 4-5 लाख आपको एवरेज पैकेज मिल जाएगा, लोएस्ट 3 है तो हाईएस्ट 26 भी है। अगर आप में मेहनत करने की शक्ति है तो आपको अच्छा खासा प्लेसमेंट यहाँ से मिलने वाला है।